वेलकम टू स्पाइस ऑफ विद माधवी। एक थॉट, वेलकम टू स्पाइस ऑफ विद माधवी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही करारे और खट्टे से चेरी टमाटोज विथ चीज़, कॉटेज चीज़। और ये बहुत ही मसालेदार, बहुत ही बढ़िया, आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी, पराठा, पूरी, किसी के साथ में भी खा, ये बहुत ही स्वाद लगते हैं। और इससे पहले कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊं, पहले मैं पूछना चाहती हूं कि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी नई रेसिपी अपलोड होगी आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो चले चलते हैं हम अपनी चेरी टमाटर्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने 250 ग्राम्स चेरी टमाटर्स लिए हैं। बड़े खूबसूरत लगते हैं और बड़े जूसी होते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये कॉटेज चीज़ लिया है, पनीर, और इसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, क्योंकि हम चेरी टमाटर्स के साथ में बना रहे हैं तो बहुत बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं, तो बहुत इसलिए बिल्कुल छोटे स्क्वेयर पीसेस में मैंने इसको काटा है। लेकिन अगर आप बड़े रखना चाहते हैं तो ये इंटायरली अप टू यू। इसके साथ ही मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, टर्मिक पाउडर, और इसके साथ में है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इट्स कश्मीरी चिलीज, रेड चिलीज, और सॉल्ट टू टेस्ट, हॉट मसाला 1 टीस्पून, एंड 1 टीस्पून रेड चिलीज। इफ़ यू लाइक हॉट फूड यू कैन पुट मोर, एंड सम ग्रीन चिलीज। हॉट बनाना है तो ग्रीन चिलीज़ की ज़रूरत है, और फाइनली चॉप्ड गार्लिक है, इसके साथ ही फाइनली चॉप्ड अनियन लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन्हें बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वाद बनते हैं। तो चलिए चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने इस पैन में थोड़ा तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, और जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम जो फाइनली चॉप्ड गार्लिक अनियन है इसे हम सोते करेंगे। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं हम कि हमारा तेल, अगर देखिए चटकने लगा है तो इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे गार्लिक, ये जब हल्का ब्राउन होने लगेगा हम इसमें अनियन भी डाल देंगे। ये हल्का भुन गया है, अब इसमें हम अनियन जो हमने फाइनली चॉप्ड अनियन थे उसको डाल देंगे। तो ये अनियन भी डल गई है इसमें। अनियन को हम लाइट ब्राउन होने तक इन्हें भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, तो ये हमने इसमें डाला थोड़ा धनिया पाउडर, इसके साथ में लाल मिर्च, आँच को थोड़ा सा इसमें हम फिर स्लो कर देंगे ताकि मसाले इसमें जले नहीं। अब डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, इसके साथ ही
हम इसमें नमक डाल देंगे। और इसके साथ ये हम डालेंगे इसमें जो हमारे ये चेरी टमाटोज़ हैं। और फ्रेंड्स, इन चेरी टमाटोज़ को हम ने कट नहीं किया है, इन्हें हम इन्हीं मसालों में भूनेंगे। इन्हें हम इसी तरह से 2-3 मिनट तक भून लेंगे। और अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये जो हमारा बारीक कटा हुआ पनीर, कॉटेज चीज़ जो था, इसे भी हम इसमें डाल करके साथ साथ भून लेंगे। ये देखें कितने कितना सुंदर इस पर कलर आ गया है। अभी तो हमने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो नहीं डाली है, और जब हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे तो ये और भी सुंदर रंग इसका दिखने लगेगा। जो लोग खाते हैं वो बाद में जब हम इसकी ग्रेवी थोड़ी बनाएंगे उस वक्त में आप इसमें थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, तो ये खट्टा मीठा स्वाद भी अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मिर्ची बहुत खाती हूँ, मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही। आप चाहें तो डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और इसमें अब हम जो चिलीज ली थी हमने, ग्रीन चिलीज, उनको बारीक बीच में से उनको चीर करके और फिर हम इसमें डालेंगे। उनको हमें बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करना है। चिली को हमने ये इस तरह से हमने इन चिलीज को इसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो टमाटर हैं हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो इन्हें हमें थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है, तक हम इसे इसी तरह से लो से मीडियम फ्लेम्स पर इसे हम लोग कुक करते रहेंगे। तो देखिए हमें लो फ्लेम पर इसे कुक करते हुए अभी और 5-7 मिनट हो चुके हैं, और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे ये कश्मीरी रेड चिलीज, देगी मिर्च जिसे हम कहते हैं, इससे और रंग सुंदर आएगा, लाल टमाटर और लाल ग्रेवी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला। देखें बहुत बढ़िया इस पर रंग आता जा रहा है। अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये 1 कप पानी। तो ये 1 कप पानी हमने इसमें डाल दिया। देखें अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर के रख देंगे, और उसके बाद देखते हैं ये हमारी ग्रेवी कितनी थिक है, कितनी पतली है। अगर हमें कुछ ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो हम पानी और भी डाल सकते हैं, और अगर हमें थोड़ा सा थिक चाहिए, आप कुछ पराठा पूरी वगैरह के साथ में या रोटी के साथ खाने वाले हैं, तो थिक ग्रेवी भी अच्छी लगती है। तो इसको अब हम लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। तो ये हमारी इस सब्ज़ी को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं, और वाह देखिए इसमें कितना बढ़िया रंग आया है,
आहा, एकदम सुर्ख लाल, और जो हमारे टमाटर हैं वो भी देखिए टूटे नहीं हैं और एकदम से पूरे के पूरे हैं। और इनमें क्योंकि ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसके में मसाला और भी भर गया होगा, क्योंकि हम 5-7 मिनट के तक हमने इसे क्योंकि ढक करके रखा था, तो ये मसाला ज़रूर इसमें चला गया है और ये लग भी बहुत खूबसूरत रहे हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये चीज़ और चेरी टमाटर्स की जो सब्ज़ी है, करी है, तैयार हो चुकी है और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, रंग भी लाजवाब है। मुझसे रुका नहीं जा रहा, पहले मैं खा लेती हूँ उसके बाद आपसे बात करूँगी। बहुत बढ़िया बनी है, इसमें टमाटर्स की खटास भी है, स्पाइसी भी है, और पराठे के साथ मज़ा आ गया। मैंने खाए इसे पराठे के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, भाई पूरी के साथ, पराठे के साथ में और चावल के साथ में, आपने बनाई आपकी रसोई, जैसे मर्जी खाइए, लेकिन खाइएगा ज़रूर और खाने के बाद बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली रेसिपी तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।